मोदी ने फोन किया तो पुतिन ने कहा ओके मोदी जी अब नहीं लड़ेंगे। मोदी ने फोन किया तो यूक्रेन ने कहा अब अमेरिका की गुलामी नहीं। पीएम मोदी के दो मिशन, पहला ऑपरेशन गंगा, दूसरा ऑपरेशन फोन। एक फोन क्या दो देशों के बीच की लड़ाई को खत्म कर सकता है? अगर फोन करने वाले मोदी हो तो एक फोन से सब कुछ संभव है। पहले गांव में विवाद होता था तो मुखिया को बुलाया जाता था, जिले में होता था तो कलेक्टर को बुलाया जाता था, लेकिन जब विश्व में लड़ाई छिड़ी तो मोदी को बुलाया गया। मोदी के एक फोन ने साबित कर दिया कि विश्व के एकमात्र कलेक्टर हैं वो है मोदी, सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 13 दिन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति भवन पहुंचे, डर खत्म कर दफ्तर में बैठे। ज़ेलेंस्की सीक्रेट अड्डा छोड़कर सामने आ पाए, ये पीएम मोदी के एक फोन की ताकत से मुमकिन हुआ। 13 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है, ये भी पीएम मोदी के एक फोन की ताकत से मुमकिन हुआ। दुनिया में अब पीएम मोदी के एक फोन की ताकत काफी बढ़ गई है। दुनिया का बड़े से बड़ा नेता पीएम मोदी के फोन का इंतजार करता है। यूक्रेन रूस के संकट के बीच मोदी के ऑपरेशन फोन की हर बात आपको अगले 200 सेकंड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कैसे 85 मिनट के दो फोन कॉल से सब कुछ बदल गया। 7 मार्च को ज़ेलेंस्की पुतिन दोनों से मोदी की फोन पर बात हुई, तस्वीर बदलने लगी। मोदी ने पहले पुतिन की 50 मिनट तक सुनी और ज़ेलेंस्की की 30 मिनट तक सुनी। फिर दोनों नेताओं को मोदी ने समझाया और उसी फोन कॉल के बाद सब बदल गया। रूस की पहली शर्त थी यूक्रेन नाटो के सैन्य गुट में शामिल न होने की घोषणा कर दे, तो ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया यूक्रेन नाटो की मदद नहीं लेगा, पुतिन से डरता है नाटो। पुतिन की दूसरी शर्त दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता को लेकर थी। ज़ेलेंस्की ने कहा दोनेत्स्क लुहांस्क पर हम समझौता कर सकते हैं, ये आगे कैसे चले। राष्ट्रपति पुतिन के लिए तीसरा बड़ा मुद्दा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र घोषित कराने का है। ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर भी नरम पड़ गए हैं, दावा किया बातचीत से मुद्दे को हल करेंगे। पुतिन ने फिर ऐलान किया हम कीव पर कब्जा नहीं करेंगे, ज़ेलेंस्की भी सत्ता में रहेंगे। पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत का जो रोडमैप हमने बताया था वो अब सही साबित होने लगा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मोदी के जरिए युद्ध समाप्त कराने का एक जरिया मिल गया है। मोदी के तीसरे दौरे की 50 मिनट की लंबी बातचीत के बाद पुतिन ये कहने लगे हैं कि यूक्रेन या कीव पर कब्जा करना उनका कभी मकसद नहीं रहा। 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के तेवर बदले, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पैतरे बदले। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कई बार अपना स्टैंड बदला, लेकिन दुनिया पर आए इस सबसे बड़े संकट के बीच पहले दिन से आखिरी दिन तक कोई नहीं बदला, तो वो हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो किसी के दबाव के आगे नहीं झुके। मोदी की एक बड़ी प्लानिंग है कि अमेरिका को भी बीच में शामिल किया जाए। एक फोन से यूक्रेन और पुतिन को शांत करवा दिया, लेकिन एक और काम करके वो भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। अमेरिका ने रूस पर कई जरूरी प्रतिबंध लगा दिए हैं। मोदी बाइडेन से बात कर उन सबको हटवा सकते हैं, किसी शर्त पर बात बन सकती है और दुनिया फिर से एक हो सकती है। दुनिया का नया नेता मोदी बनेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच मोदी की भूमिका ने बता दिया भारत अगले 1-2 दशक में विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। मोदी ने जो एक फोन से कर दिखाया, उसके लिए अमेरिका और बाकी देशों ने क्या किया वो भी देखिए। इजराइल के पीएम तो पुतिन के साथ बैठक करने आए, शांत होने के बजाय पुतिन और भड़क गए। अमेरिका ने यूएन में वोटिंग करवाई, पुतिन और भी नाराज हो गए, बात परमाणु तक आ पहुंची। ब्रिटेन, चीन, जर्मनी जैसे देश पुतिन से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। मोदी ने 85 मिनट फोन पर दोनों देशों के प्रमुखों से बात की और पूरा सॉल्यूशन निकल गया है। भारत जल्द ही अमेरिका, रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों को बैठक के लिए बुला सकता है। यानी घूम फिरकर सारा मसला मोदी पर आकर टिक रहा है। कहा जा रहा है कि रूसी सेनाओं का रसद पानी भी बीच रास्ते में फंस जाने से खत्म होने लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहते कि तनाव लंबा चले, उनके लोगों की मुसीबत बढ़े। बाइडेन और नाटो मुल्कों की वैसे भी भद पिट चुकी है। इस विवाद का सम्मानजनक अंत हर कोई चाहता है और ये अंत मुमकिन करेंगे तो मोदी ही। अब तक देश बोलता था, अब दुनिया भी बोलेगी। मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट।